इस ग्राफ में अपने को रिलेशन बनाना है T1 एंड T2 में, तो देखिए अपने को पता है कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के आगे होता है। तो इस ग्राफ में अपन देख सकते हैं, जैसे सपोज रेट मान लीजिए ग्राफ में इसका करंट I1 है और इसका करंट I2 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ I1 जो है ग्रेटर है I2 से, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जिसका करंट ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस I1 का कितना हो जाएगा, T1 है टेम्परेचर। तो अभी यहाँ पे T2 जो है, T2 हो जाएगा, T2 ग्रेटर हो जाएगा किससे, T1 से। बस यही रिलेशन है इसका।